अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज बड़ा स्पेशल एपिसोड है स्लीप पॉइंट का, आवर थर्ड एपिसोड। और मेरे जो दो गेस्ट हैं, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, और आपने इनको क्रिकेट खेलते हुए तो देखा होगा, लेकिन आज हम क्रिकेट काम डिस्कस करेंगे और ऑफ द फील्ड चीजें ज्यादा डिस्कस करेंगे, बिकॉज मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पाकिस्तान में इनसे फनी क्रिकेटर्स देखने को नहीं मिलेंगे। और सिर्फ ये नहीं कि फनी है, अच्छे प्लेयर भी हैं और हम इनसे काफी बातें करेंगे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट, जरूरत नहीं इनको इंट्रोडक्शन की। मोहम्मद नवाज, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के स्टार परफॉर्मर, हाईएस्ट विकेट टेकर इन पीएसएल एवर। दूसरी तरफ जफर गौहर, और जफर गौहर का एक बड़ा यूनिक रिकॉर्ड है पीएसएल में। वो अक्सर कहते हैं मुझे मैचेस कम मिले, ये वो, लेकिन जफर गौहर हैज वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ओवर इकोनॉमीज इन पीएसएल हिस्ट्री। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन थ्री पॉइंट, और फॉर्मेलिटी खत्म करेंगे। पहले मैं जफर की तरफ आता हूँ। जफर, जब तुम्हारी और नवाज की बहुत पुरानी दोस्ती और हर मैच में जो हो रहा होता है उसमें तुम नवाज को सपोर्ट कर रहे होते इवन बाहर बैठ के, तो तुम जब हम मैच देख रहे थे लाहौर कलंदर्स का क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, और बेन डंक ने जब छक्के मारे नवाज को, तो तुम क्या सलाह दे रहे थे वहां पर? गुस्सा क्यों चढ़ रहा था तुम्हें? मुझे गुस्सा ये चढ़ रहा था कि ये क्या कह रहा है, हालांकि इसको बड़ी समझ है, लेकिन ये कभी कभी ना इसका दिमाग ऑफ हो जाता है। मैं कहा इस टाइम पे मुझे समझ लगी थी कि ये ना स्विच ऑफ हो गया, अब ये इसको नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है। नवाज कुछ कहना था फर को? अच्छा, इसको इतना गुस्सा चढ़ना था कि उस वक्त ये टीवी पे इसको गुस्सा चढ़ा था, रात को जब मैच के बाद मैच के पास आया तो ये मोबाइल से ही नहीं निकला, उस बारे में बात ही नहीं की। वो तो जफर गौर का एक है ना, कि जोन इन होना है और फोन पे लग जाता है अक्सर बस में भी। अच्छा, तुम लोगों की दोस्ती की बात, और इट्स वेरी फेमस, और जिस तरह तुम लोग क्या कहते हैं तुम लोगों का करियर है उसमें हमेशा से बचपन से अंडर 19 से लेके तुम लोग इकट्ठे खेले हो, तो जफर का भी ये दोस्ती शुरू हुई, और क्यों इतनी अच्छी दोस्ती है? जी, ये हमारी अंडर 16 से दोस्ती है, और दोस्ती ऐसे है कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि यार ये मुझे नवाज लगता था कि यार ये मेरे टाइप का एक बंदा है, तो इसके साथ मेरी शुरू से एक केमिस्ट्री है, आप कह लें बहुत ज़्यादा मिलती है। तो बस अंडर 16 से मुझे याद है कि मैंने इसको आउट किया था पहली दफ़ा, ये इसके दांत बाहर होते थे, अब तो इसके थोड़े दांत अंदर हो गए, तब इसके थोड़े दांत बाहर होते थे, फनी सा फेस होता था इसका और बड़ा कोजा सा होता था, अब तो बड़ा हैंडसम हो गया। तो ना तब ये अजीब सा, मैंने कहा यार ये कौन सा लल्लू सा घूम रहा है, तो ये हमें छेड़ते थे, मैं इसको छेड़ता था, तो बस ऐसी दोस्ती होगी। मैंने कहा यार ये कोई मलांग बैठा हुआ है, चलो इसके पास कोई नहीं बैठता, तो इसके पास थोड़ी सी स्मेल भी आती थी, मैं कहा चलो इसके साथ बैठ जाता हूँ, कोशिश थोड़ी सी स्मेल आती थी, मलांग था, खुशबू तो बड़ी आती है। भूल गया अब इसने क्या बोला मुझे? नहीं, वो जफर, जफर अपना आपका फोन में से शोर काफी आ रहा है, तो आप जितनी देर इसको फिक्स करते हैं थोड़ी देर इसको म्यूट करें, मैं नवाज से एक सवाल पूछता हूँ, फोन उठा लो ना फिर ठीक हो जाएगा। अच्छा नवाज, मेरा ये सवाल है कि जफर गौर से ऑब्वियसली तुम्हारी दोस्ती वगैरह की स्टोरी सबको पता है, और जफर गौर की बड़ी स्टोरीज हैं जो हम ऑब्वियसली ऑनलाइन शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसी स्टोरीज हैं जो मुश्किल में डाल सकती हैं, लेकिन जफर गौहर की ये बताओ कि एक किसकी स्टोरी थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल में लास्ट फिनिश किया, और एक मीम बनी थी कि जब लड़कियां पेपर में सेकंड आती हैं तो वो अफसोस करती हैं, और जब लड़के लास्ट आते हैं तो वो कहते हैं नायक नहीं खलनायक हूं मैं। तो जफर गौहर को मीटर क्यों कहा जाता है, और ये कब से स्टार्ट हुआ, ये जब से अंडर 15 खेलता है तब से स्टार्ट है या बाद में हुआ है? अंडर 15, अंडर 19 से आई थिंक ये मीटर नाम इसका स्टार्ट हुआ था, और शुरू में तो ये बड़ा चिढ़ता भी था, तो मैंने जान के इसको और कहा, फिर ये कहता था कि यार ठीक है मुझे तू कहता है लेकिन लोगों के सामने ना कहा कर, फिर मैंने लोगों के सामने भी कहना शुरू कर दिया। तो ये मीटर नाम इसका है क्यों, जरा जो सुन रहे हैं उनको एक्सप्लेन कर दो।
मीटर इसलिए है कि ऐसे आराम से मतलब बैठा हुआ है रिलैक्स, अचानक से इसको कुछ होगा और होगा ऐसे कि यार वो मैं फलानी चीज भूल गया, वो मेरा मोबाइल उधर रह गया, ये हो गया। मीटर बस हर वक्त मीटर ही रहता है, ये तो वजह से ऐसी चीजों की थोड़ी वजह से, फिर ऐसी चीजों की वजह से इसका नाम मीटर रख दिया। वो मीटर भी ऐसे ही होता है ना, वो जो सुई होती है एकदम से ऊपर जाती है रेज, वो फिर नीचे आ जाती है, बिल्कुल फिर बिल्कुल बैठे बैठे कुछ भी बिल्कुल। हो जाता है इसको। अच्छा नवाज, ये 3 साल से इस्लामाबाद यूनाइटेड में, मेरी इससे हर साल शर्त लगती है कि एक दिन ऐसा गुजरे जब जफर गौहर मेरे पास आके गया कि आज मेरी कोई चीज गुमी नहीं है, और 3 साल में एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि जफर गौहर की कोई चीज गुमी ना हो। ये घूमी वन किसकी हंड्रेड है, परसेंट देखें चीज घूमती नहीं है, अगर ये लेफ्ट में पड़ी है तो ये राइट पे ढूंढता रहेगा, राइट पॉकेट में, बाद में ये लेफ्ट में देखे वो हो यार ये तो इधर है, पहले 5 मिनट पैनिक इसको जल्दी थोड़ा कर सा जाता है। डिस्टर्ब कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नवाज, पीएसएल के ऊपर आते हैं, डिस्कशन करते हैं। ये पहला साल था जब जो दो सबसे सक्सेसफुल टीम्स हैं पीएसएल की हिस्ट्री में, इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स, दोनों प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, और काफी क्रिटिसिज्म आया दोनों टीमों को। तुम्हारी नजर में किधर गलती हुई दोनों टीमों से, और कहाँ चांसेस फॉर इम्प्रूवमेंट है? कोई स्क्वाड में गलती थी, या तुम्हें लगता है कंडीशंस काफी डिफरेंट थी? आई थिंक क्रिटिसिज्म तो नहीं होना चाहिए जो मुझे लगता है, बिकॉज हमने जो 4 साल क्रिकेट खेली है, क्वेटा ने भी और इस्लामाबाद ने भी, हमेशा से मतलब टॉप पे रहे हैं और काफ़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेली है जितने भी मैचेस हुए हैं। तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि एक सीज़न था वो हमारे लिए बुरा था, ऑब्वियसली कंडीशंस भी जो थी वो डिफरेंट थी, नो डाउट, बट ऐसा नहीं था कि हम, हमारी अपनी कंडीशन थी जो भी था, ऐसा नहीं था कि हम किसी दूसरे मुल्क में जाके खेल रहे थे या कुछ ऐसे, बट मैं ये समझता हूँ कि बस हमारे लिए एक सीज़न जो है ऐसा मे बी ड्यू था आप कह सकते हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली इन नेक्स्ट सीज़न हम जो है, जो भी हमसे गलती हुई है इस सीज़न में, तो ऑब्वियसली आपको भी पता है हमारी क्वेटा भी सब मैनेजमेंट को और हर बंदे को पता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर दोबारा से अपना जो खोया हुआ मुकाम है वो हासिल कर लेंगे। इनशाला इनशाला, उम्मीद तो यही है। जफर गौहर ने शो अभी तक ज्वाइन नहीं किया, उसकी वजह हमें समझ नहीं आ रही। वो फिर कुछ भूल आए होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली अपने हेडफोन नहीं उनको मिल रहे होंगे, या कोई और मसला हो गया होगा। तो मैं उनको मैसेज भी डाल देता हूँ कि प्लीज हमें एज सून एज पॉसिबल ज्वाइन करें। अच्छा नवाज, चल और पीएसएल की बात करते हैं। पीएसएल में जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो 2 मैचेस थे, वो दोनों क्वेटा जीता, दोनों चेस करते हुए जीता, तो ये एक बड़ा क्वेटा यूनाइटेड का, कि जो भी टीम चेस जीता है, कि ये जो पिछली 2 परफॉर्मेंस थी जिसमें क्वेटा ने चेस डाउन किया, उसमें तुम्हारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। रियान भी आपकी आवाज बड़ी कटती है, मैंने मतलब आपका आधा सवाल सुना है बट पूरा नहीं सुन सका। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैचेस में, जो दोनों मैचेस हुए थे इस साल, उसके अंदर तुम्हारी बैट से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। कोई स्ट्रेटजी थी, कोई प्लान था कि बस गए और तुमने शॉटें मारना शुरू कर दिए? नहीं, स्कोर तो मैंने 25-25 किया था, आई विश कि वो मैं पूरा फिनिश करके जाता और भी, बट ये कि अच्छी जो जितना हुआ वो अच्छा स्कोर हुआ था, और स्ट्रेटजी यही थी कि मैं इस पे पीएसएल से पहले भी बैटिंग पे अब भी काफ़ी काम कर रहा हूँ, क्योंकि एक था कि मतलब फर्स्ट क्लास के बाद जब मैं पीएसएल के पहले सीजन के बाद 2 साल मेरे ऐसे गए कि वो मतलब बैटिंग में उस तरह कुछ हुआ नहीं मुझसे, तो फिर क्योंकि मैं बॉलिंग पे ज़्यादा तवज्जो दे रहा था, मे बी इस वजह से फिर अब दोबारा से मतलब बैटिंग पे, ज़ाहिर मुझसे एक्सपेक्टेशंस थी हर किसी की, तो बैटिंग पे भी अब उतना काम कर, मैं बॉलिंग पे करता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं और इम्प्रूवमेंट के साथ बैटिंग में और अच्छी कर सकता हूँ, और जिस तरह से फर्स्ट क्लास वगैरह में भी करता था और सब, तो टॉप लेवल में अभी तक मैंने बैटिंग में उस तरह से कुछ किया नहीं, सारी बॉलिंग में भी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, तो होपफुली स्ट्रेटजी यही है कि इम्प्रूव करूँ बैटिंग को, ताकि मैं एज ए ऑलराउंडर ग्रो इंटरनेशनल वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड में। बिल्कुल नवाज, ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ा लकी है कि देर आर सो मेनी स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स कमिंग थ्रू। तुम हो, जफर है, शादाब है, इमाद वसीम है, तो और स्पेशली अगर तुम्हारी बात करें, तुमने बीपीएल में भी जैसी परफॉर्मेंसेस दी थी विद द बैट, दे वर अमेजिंग।
और बैटिंग की बात करें तो जफर गौर थोड़ा जेलस हो रहा है, लेकिन मैं बताता चलूं कि जफर गौर ने तकरीबन कोई 500 स्कोर इस साल पिछला सीजन में बनाया है, और जफर गौर वॉज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एज वेल। तो जफर कितना काम किया बैटिंग पे? जी बिल्कुल, जैसे आपको पता है मैं इंजर्ड भी था, तो उसके बाद मैं काफी मतलब बॉलिंग नहीं कर सकता था, लेकिन वो एक साल तकरीबन मैंने सिर्फ बैटिंग ही की है। दूसरा नवाज के साथ बात मतलब डिस्कशन चलती थी अबाउट बैटिंग, इससे पूछता रहता हूँ, ये मुझसे पूछता रहता है, हम एक दूसरे की गलतियां बताते रहते हैं। ये मेरा कोच है बेस्ट कोच। हाँ, ये तो मैंने देखा है कि जफर गौर फ्यूचर में बड़ा अच्छा कोच बनेगा, बिकॉज द वे ही रीड्स द गेम और बाहर बैठकर, स्पेशली जब नवाज बॉलिंग करा रहा हो। नवाज, मैं तुम्हें इसके रिएक्शन बताता हूँ बेन डंक के ओवर में। पहली बॉल कराई, शाबाश नवाज, कोई बात नहीं, पहला छक्का। दूसरी कराई, ओ ये भी दूर सी, ठीक है। ओ नवाज की बिल्ले की हो गया, तेनू बिल्ले की कर रहे है। तो ये जितना तुम इन्वॉल्व थे उतना ये भी इन्वॉल्व था उसके अंदर। तो इस पे आते हैं कि जफर, अब तुमने ही बेन डंक को बॉलिंग करवाई, नवाज ने ही बेन डंक को बॉलिंग करवाई, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें नवाज से सीखने को मिला, और तुम्हारी जो रात को से डिस्कशन हुई उससे कितनी मदद मिलती है जब क्रिकेटर्स एक दूसरे से बात करते हैं? यार था यार, तो मैंने मजदूर सीधा बास्केट दूर की, तो मैं दूर तो बैकवर्ड से बेन डंक छक्का मारता है। जफर आपकी आवाज, जफर थोड़ा ऊंचा बोलो दोबारा। मतलब जब मैं मैच देख रहा था नवाज का और बेन डंक वाला, तो उससे काफी आपको आइडिया हो जाता है कि मतलब वो क्या खेलता है, सिचुएशन क्या है, कल मैच हुआ है वो कैसे खेला है। तो नवाज से भी बात हुई थी, तो उसका यही था कि यार मेरे, मैंने उसको अच्छे बॉल पे भी एक उसने मुझे छक्का मारा, जिसे कि वो नज़र जो पहले आप दो बॉल बात कर रहे हैं कि उसने जो दूसरा छक्का मारा था, मैंने कहा यार ये तो उसने बड़ा अच्छा छक्का मारा है। तो एक मैच, एक दिन पहले मैच हुआ और उस बंदे ने इन खेली हो, तो आपको वो दिमाग में चलता रहता है कि उसने कैसे खेली है, उसको मैंने क्या प्लान बनाना है। तो मुझे एक टाइम मिल गया था कि मैं प्लान बनाऊं और उसके अगेंस्ट तो कोशिश करूं अपने प्लान पे रहूं। तो काफी फर्क पड़ता है जब एक दूसरे से बात करो, दूसरे की परफॉर्मेंस देखो, और क्रिकेटर्स ऑब्वियसली कैन हेल्प ईच अदर अ लॉट। और ये मैंने पीएसएल में खासकर देखा, जो तुम लोगों की जनरेशन है, जो इससे अगली जनरेशन आ रही है, वो सब नो मैटर विच टीम दे प्ले फॉर, वो सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, क्रिकेट डिस्कस करते हैं, और बड़ी हेल्दी डिस्कशन होती है। ये काफी सीरियस डिस्कशन हमने इस एपिसोड में कर ली, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। उसकी वजह यह है कि काफी दफा माइक ऑफ होता रहा। तो जफर, नॉन सीरियस की तरफ जाते हैं, जफर नवाज ने तुम्हारी काफी स्टोरियां सुनाई कि तुम्हें मीटर कहते हैं, तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा चढ़ता है, कभी तुम्हारा मीटर इधर जाता है एकदम वापस आता है। तो नवाज की कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर कर दो प्लीज। जफर आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ नवाज की मेरे पास बहुत स्टोरीज हैं, लेकिन आधी से ज्यादा है कि मैं शेयर नहीं कर सकता, आपको पता है ऑन एयर स्टोरीज। हाँ, जो शेयर कर सकते वो शेयर कर दो। उसकी एक तो बड़ी फेमस ये स्टोरी है कि जहाँ पे इस पे मुझे हंसी भी आया है, और मुझे ये पहले तकरीबन मैं जब अंडर 16 में थे, हम छोटे थे, तो ये मुझे कहता रहा कि मेरे अबू इमाम मस्जिद है। मेरे क्या? मेरे अबू इमाम मस्जिद। होटल है उधर, मैं इसके पास गया हूँ, तो अब ये पता नहीं क्या हुआ है, इसकी फोन उठा रहा था और मैं रिसेप्शन पे खड़ा था, इसका मुझे नहीं पता था, मुझे गुस्सा चले, बहुत गुस्सा चढ़ रहा था। फिर मैंने किसी से इसका टीममेट मिला, मैंने कहा किधर है, उसने कहा ये इसका रूम है। मैंने जाके दरवाजा खोला, रूम अनलॉक था, उधर देखा एक बंदा बैठा हुआ, तो मैंने उसको देखा, देखे मैं इसको गालियां, मतलब जो भी इसको बोलना शुरू हो गया, यार कि तू क्या बंदा है, कब से मैं खड़ा हूँ, पागल है तू, वैसे मतलब बहुत ज्यादा चीखा, कहता ये यूं करे, मैं क्या हुआ, यूं करे मैं क्या हुआ, कहता मैं क्या अस्सलाम वालेकुम, मैंने ना बड़े बुजुर्ग आदमी, वो बड़े यंग थे और मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि इसके अबू है,
मतलब दाढ़ी भी नहीं थी, शेप था उसे प्लेन शेप में, एक बंदा बैठा हुआ काला काली सलवार कमीज नीचे पिशावरी चप्पल पहन के यूं किले के बेड पे बैठा हुआ। मैंने कहा कोई दोस्त होगा इसको मिलने आया है। मैंने कहा क्या आवाज समझ आई है स्टोरी, आवाज आई है इसकी क्लियर की नहीं? तो मुझे हाँ जी पता है कौन सी स्टोरी आपको बता रहा था, लेकिन आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है बीच में इसकी वजह से। जो अगर अगर किसी और को नहीं समझ आ रही जो ये शो सुन रहे हैं, तो जफर गौर ने ये स्टोरी नरेट किया है कि एक दफा वो नवाज के कमरे में गया अंडर 15 अंडर 16 के टाइम पर, और नवाज के अबू बैठे थे और जफर गौर को नवाज पर गुस्सा चढ़ा था और जफर गौर नवाज को गालियां देने लग गया और नवाज को इशारे करा कि नहीं 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 नहीं। जफर ने एकदम नवाज के अबू की तरफ देखा, उसको नहीं रियलाइज हुआ कि इसके अबू, सलाम किया, फिर नवाज ने बताया कि ये मेरे अबू हैं। तो इट वाज अ वेरी ऑकवर्ड मोमेंट, तो वो स्टोरी शेयर कर रहा था। अब नवाज उस वक्त तो इसका नाम मीटर कंफर्म हो गया था कि तुम्हारे अबू के सामने ये बंदा कमरे में आया बगैर इसने देखे राइट लेफ्ट सेंटर इसने गालियां देना शुरू कर दी। हाँ जी सही है, सुनाना शुरू कर दी और मैं इसको इशारे भी कर रहा था। किस तरह कर रहे थे इशारे? देख देख मतलब आंखों से, जाहिर अबू भी बैठे हुए थे और लेकिन इसको फिर बाद में पता लग गया। मैं बड़ा लेकिन इसके अबू बहुत अच्छे थे, जो मतलब उनको भी आइडिया था कि क्रिकेटर है कोई, तो कोई उनको आइडिया था कि ये कोई अंदरून लाहौर से आया है। उनको आइडिया था कि मेरे बेटे ने कोई ना कोई फिल्म चलाई है इसको जिसको गुस्सा चढ़ा हुआ। अच्छा नवाज, ये जफर मिमिक्री बड़ी अच्छी करता है कुछ प्लेयरों की, ऑब्वियसली थोड़ा ऑफेंसिव भी हो जाता है, पर मैं सबको बताता चलूं कि जफर कुछ प्लेयर्स की बड़ी अच्छी मिमिक्री करता है जिनके साथ ये खेला है, स्पेशली सेंट्रल पंजाब के एक दो प्लेयर्स हैं जिनकी मिमिक्री करता है जफर। आप मुझे नहीं लगता अभी ऑनलाइन करना चाहेंगे मिमिक्री? नहीं करेगा कभी भी। हां मैंने कहा नहीं करेगा कभी भी। ये वो इसका वही सीन है कि जब कोई सामने आ जाता है डर जाता है, पीछे से बड़ा गुस्सा करेगा, कॉन्फिडेंस की कमी है नवाज। क्यों? मैंने आपको बताया तो है कि जब मैं, अभी आप भी कह रहे कि बड़ा गुस्सा कर रहा था जब रन मार रहा था उसकी, तो जब मैं रूम में आया तो सामने बैठा हुआ था मोबाइल के साथ क्योंकि मैं सामने आ गया था फिर। हाँ तो फिर नहीं बोला ये? फिर ये नहीं बोला, फिर ये स्नैपचैट यूज कर रहा था। अच्छा नवाज, जफर जब हमारी टीम बस में आता है तो ये अक्सर हेडफोन लगा लेता है और ये बेसिकली हमारी टीम की एक वो ड्रेसिंग रूम की जान जो होती है वो जफर गौहर है। पिछले 3 साल से यही है कि सब जफर गौहर को जानबूझ के तंग करते हैं, गालियां देता है फिर उस पर सारे हंसते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक के जो ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट है वो जफर गौहर के मूड पर डिपेंड करता है अक्सर टाइम पे। तो ये हमेशा से ऐसा ही है जब ये अंडर 15-16 के टाइम से कि ये अब ऐसा हुआ है? नहीं नहीं शुरू से ही ऐसा ही है, ऐसे ही गालियां और ये जरा सा कुछ छेड़ दो आगे से गालियां देना शुरू कर, जैसे मतलब किसी बंदा पागल को छेड़ देता है, मीटर को छेड़ देता है, इसीलिए तो मीटर नाम पकड़ा हुआ है इसमें। एक दफा कम अभी T20 जो डोमेस्टिक हो रहा था फैसलाबाद में, तो मैं बैटिंग कर रहा था तो मैंने शॉट मारी है डीप खड़ा था, तो मैंने कॉल की बाग मीटर है ऊंची, कमी भी थे कीपिंग कर रहे कमी भी दूसरी टीम में, तो ये उधर से शुरू हो गया। हाँ मैं ले ला मेरी टंगा नहीं है दो है उधर से शुरू हो गया। इसकी एक और स्टोरी है नवाज, वो हम ट्रेनिंग कैंप हो रहा था इस्लामाबाद में, तो ये बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा था तो स्पेक्टेटर्स 2-3 बाहर आके बैठ के देखने लग गए, तो उन्होंने, अब तुम्हें पता है अक्सर लोग मजाक करते हैं, उन्होंने मजाक में उसको 2-3 दफा आवाज दी, तो इसने पीछे मुड़ के कहा कि यार मैं फील्डिंग कर रहा हूँ भाई मुझे तंग ना करो, तो उसमें से एक ने ऐसी बात की कि तुम्हें पता है कि सफर बिल्कुल ही वीटर हो गया, उसने कहा कि तुम अभी स्टार भी नहीं बने और पहले से अपनी आकर देखो। अब जफर गौर कह रहा है ये उठो यहाँ से निकलो मैच के दौरान। हम सब भागे गए और हमने सिचुएशन चिल आउट करवाई, लेकिन जफर इज आल्सो लाइक डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस डिस्कशन एंड ऑल ही इज द स्वीटेस्ट नाइसेस्ट पर्सन एज वेल। जब इसको गुस्सा ना चढ़ाओ, जो कि 90% ऑफ टाइम्स इसको गुस्सा चढ़ा होता है।
नवाज आवाज ही नहीं आ रही यार। जफर गौरी सब तुम्हारा कसूर है, एज यूजुअल, एज यूजुअल जफर गौर सब तुम्हारा कसूर है। और जफर कितना शोर कर रहा है, आप देखने को यार वैसे भी शोर करता। सही बात है, इसका इसका नाम तुम लोगों को वजह से मैं रूम में बैठा हूं कि यार बाहर अगर लाउंज वगैरह में बैठूंगा तो शोर ना आए, लेकिन इसको कहां अभी चलें, मेरे साथ रह के भी नहीं सीखा अभी तक, फिर कहते हैं मुझे मीटर। ये तो बहुत अजीब बात है यार। अच्छा हमें कुछ सवाल आ रहे हैं YouTube पे, वो लेते हैं। मानूर जफर का सवाल है कि नवाज विच बॉलर इंस्पायर्ड यू द मोस्ट, स्पिनर्स में से या मतलब वैसे ओवरऑल? कोई भी ओवरऑल। जब मतलब बचपन में जब हम मैं क्रिकेट देखता था तो उस वक्त ऑब्वियसली शेफ भाई को देख के काफी अच्छा लगता था, जैसे वो भागते थे जब छोटा था मैं तो उनको देख के, मतलब शेव अख्तर, शेव भाई, उनसे था काफी कि मतलब जैसे वो भागते थे, रन अप था उनका जैसे, और जिस तरह से वो फिर बॉल करते थे तो काफी इंस्पायर्ड था उस वक्त मैं, अभी भी ऑब्वियसली, बट जब खेलते थे। तो फास्ट बॉलिंग से स्पिन बॉलिंग का स्विच कब आया? अंडर 15 में, लेकिन उससे पहले फास्ट बॉलर बनने का, अगर मतलब फास्ट बॉलर तो इसीलिए या स्पिनर, मुझे वैसे ओवरऑल मैं बात कर रहा हूं, मतलब ये नहीं कि अपनी जो मेरी स्पिन बॉलिंग है या बैटिंग है जो इसके अकॉर्डिंग कर रहा, वैसे जनरल बात कर रहा ओवरऑल, जैसे क्रिकेट जैसे शौक होता है और उस लिहाज से। अच्छा अब्दुल्ला शेख का सवाल है और आई थिंक इसका आंसर सबको ही पता है कि नवाज आपका टीम में बेस्ट फ्रेंड कौन है? ये जो बैठा हुआ सामने आपके साथ, आपके, सॉरी, ये मीटर, हाँ जी मीटर। अच्छा बेस्ट फ्रेंड है तो हाँ जी। अब ये तुम लोगों की तो काफी पुरानी दोस्ती है और क्वेटा। अच्छा आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ना दो कि सारे 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 बड़े पसंद हैं सब, नहीं है आपको नहीं पता, अच्छा आपको नहीं पता, चले आप बताएं क्या कि सब बहुत अच्छे हैं। हाँ मेरे सब, मैं सबके साथ अच्छा हूँ, सब मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, आपको नहीं पता? अच्छा हाँ हाँ सही सही कह रहे हैं, आप भी अच्छे मेरे साथ। अच्छा नवाज ये तो होगी ओवरऑल बात, क्वेटा ग्लैडिएटर्स में हुज योर बेस्ट फ्रेंड इन द टीम? जिनके साथ क्वेटा ग्लैडिएटर्स में बेस्ट फ्रेंड इन द टीम, अहमद शहजाद, अहमद भी उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड होता है, अनवर अली इनके साथ होता है टाइम, फवाद भी, फवाद अहमद, तो इन इनके साथ मेरा काफी अच्छा टाइम मतलब गुजरता है, रहते नहीं क्या? अच्छा नहीं एंड से तो पूरी टीम का नाम दस देगा, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी और जफर गौर की दोनों की शादी हो गई है और अक्सर तुम लोगों की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं, खासकर जफर की एक स्टोरी जो है वो जफर खुद नरेट करता लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही, मैं सुना देता हूँ कि जफर गौर मैच नहीं खेल रहा था तो जफर गौर की वाइफ का जफर को फोन आया कि तुम्हें इस्लामा यूनाइटेड ने पानी पिलाने के लिए रखा हुआ है कि तुम बिप पहन के आज पानी पिला रहे थे, उसने कहा सारी टीम ही ये करती है। फिर दूसरी दफा जफर गौर को फोन आया कि आज तो तुम मैच खेल रहे हो तो इनशाला तुम एक ओवर में 10 विकेट फेल होगे, तो जफर कहता है 6 वाले होती हैं, 6 वालों में मैं तो 6 विकेटें ले सकता हूँ, 6 से ज्यादा विकेट में नहीं ले सकता। तो उसकी बीवी कहती है नहीं हो तो कुछ भी सकता है, तो जफर कहता है भाई दुआ भी वो मांगा करो जो कबूल हो, ये तो दुआ अल्लाह ने कबूल भी नहीं करनी, पॉसिबल ही नहीं है। और जफर की इस तरह की काफी स्टोरी है कि जिस तरह वो फोन बुलाया और फिर वो कह रहा है कि मेरी बीवी मुझे फोन नहीं कर रही है, उसके कमरे में फोन पड़ा हुआ है। तो नवाज तुम्हारी कोई ऐसी स्टोरीज है वाइफ के साथ, खासकर ऑडियंस को ये बताते चलो कि तुम्हारी वाइफ को उर्दू बिल्कुल समझ नहीं आती तो यू गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स? Yes, तो I think क्रिकेट से related तो कोई स्टोरीज नहीं है, लेकिन वैसे तो बहुत ज्यादा स्टोरीज हैं, बुक भरी हुई है जो मुझसे गोल्स वगैरह होते रहते हैं। कोई एक गोल का एग्जांपल दे दो। उनमें से अभी एक मैं अगर शेयर करूं तो मेरी वाइफ को उर्दू नहीं आती, मतलब इंग्लिश में मुझे बात करनी पड़ती है, और तो उसमें हम केप टाउन में थे तो हम ना वो कार्ड्स खेल रहे थे, मैं और वाइफ, ऊनो कहते हैं ना उसे, ऊनो वो कह रहे थे, तो गेम खत्म हुई तो अब हम लोग कहते हैं कि मतलब इंग्लिश में कहना था कि दो कार्ड ना गेम ही आल शफल इट, तो हम तो पंजाबी उर्दू में कहते हैं कि
दो मैप फेंट दिया। हाँ तो मैंने वाइफ को कहा, मैंने कहना था गिव मी एल शेफलेट, मैंने कहा गिव मी एल फेंट इट। हंसी क्यों। तो वाइफ कहती हुआ क्या है? मैंने कहा यार मैंने तुम्हें कहना था गिव मी एल शेफलेट एंड मैंने कहा है कि गिव मी एल फेंट इट। तो ये स्विच कितना डिफरेंट होता है, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट सर्कल्स में तो खासकर उर्दू बहुत बोली जाती है, पंजाबी का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो जब वाइफ साथ ट्रेवल कर रही होती है तो स्विच कितना मुश्किल है। नहीं तो इंग्लिश तो काफी बोल ही लेते हैं हमारे, मतलब हर कोई बोल लेता है तो उसको भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। घर में अभी तुम्हारे प्रॉब्लम हुई। लिए घर में जी प्रॉब्लम होती है, घर में प्रॉब्लम होती है। घर में अभी अभी वाइफ मेरी जब इधर थी तो अम्मी के साथ थोड़ी सी, वैसे तो अम्मी को समझा देती हैं जो भी हो इशारे में। अभी घर में थे, रात को टाइम था, मैंने उसको कहा कि जाओ ना पानी ऊपर से ले आओ, रूम में थे तो वो मेरी ऊपर गई है तो अम्मी को कहती है कि वो नवाज कह रहा है कि पानी दो ना, मतलब इंग्लिश में कहा उसने कि उसने सिर्फ कहा कि वाटर वाटर। अब मेरी अम्मी को, मेरी अम्मी सादी है बेचारी, उनको वाटर का नहीं पता था तो वो अगर से इशारा करी क्या तो कहती कि वाटर, तो समझ तो पास कूलर पड़ा हुआ था तो मेरी वाइफ उसके ऊपर ना ऐसे करती नवाज ये मांग रहा है तो मेरी अम्मी को समझ रहा कि नवाज पानी मांग रहा है, इसको पानी के जग भर के दो। तो अब क्या कहते हैं नवाज, ये तुम्हारे लिए तो बड़ी अच्छी बात है, अक्सर चीजें तुम छुपा सकते हो भाभी से, कि काफी दफा ऐसी बात हो जाती होगी जो तुम इजीली दबा जाते होगे और कॉन्वर्सेशन भी करते हो जो कि अनफेयर है भाभी के साथ, और जल्दी वो उर्दू सीखे और फिर मेरे बड़ा साथ इंटरेस्टिंग अनफेयर होगा नहीं है, तुम्हारा। क्या अनफेयर है तुम्हारे साथ? मैं इंग्लिश क्या कहते हैं वो इंग्लिश में बात करती तो मुझे कभी समझ ना लगती होगी क्योंकि तुम्हें तो आती मैं है समझ समझ, जाता हाँ तुम्हें तो आती है समझ, दैट्स द पॉइंट। अच्छा नवाज, फाइनल सेगमेंट और फिर हम इसको रैप अप करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज इंटरनेट के काफी इश्यूज हुए हैं और सारा कसूर जफर गौहर का एज यूजुअल, तो हम ये दोबारा कोशिश करेंगे जफर गौहर को पास बिठा के, जहाँ पे इंटरनेट ठीक चल रहा हो उसको हम नया कोई डिवाइस भी खरीद के देते हैं 4G वगैरह की, अगर वो गुम ना करे। तो अभी वो लास्ट होता तो सेगमेंट की बहुत तरफ चलते ज्यादा हैं फिर, वाइंड अप। स्टोरीज वो बता देता क्योंकि मैं तो हर जो भी गोल मुझसे होता है स्टोरी होती है मैं उसको लाजमी बताता हूँ तो वो हाँ भी खोल लेता सर तो उसकी मैं खोल लेता लेकिन क्या करें। हाँ बस अब ये सारा जफर का कसूर है। तो ये हम रैप अप करते हैं, काफी अनओरिजिनल सा सेगमेंट है 3 पॉइंट का, रैपिड फायर राउंड। तो मैं एक प्लेयर का नाम लूंगा, दो फर्स्ट चीज जो तुम्हारे दिमाग में आती है वो बोलनी है, ठीक है? और इसको स्लो जवाब नहीं देने, पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं देनी, जो चीज पहली चीज जहन में आती है वो आपने बोलनी है, ठीक है? जफर गौहर, मीटर शादाब खान। वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर ओ भाई खुदा का वास्ता, रैपिड फायर राउंड है, सोच के नहीं बोलना, जल्दी जल्दी यार मैं तो जल्दी थोड़ा सा तो जल्दी, सोचने ठीक दो सेकंड, है? नहीं, थोड़ा सा नहीं सोचना, जल्दी जल्दी, ठीक है? मैंने अभी जल्दी बोला जफर शादाब गौर खान हो का गया, इतना लेट नहीं अच्छा एक लास्ट बोल रहा है जल्दी से, ठीक है? शेन वॉटसन, यार लेजेंड वसीम अकरम, जीनियस इमाद वसीम, इमाद वसीम टैलेंटेड क्रिकेटर आप देख पॉलिटिकली करेक्ट हो रहा रहे हैं कहना कुछ और है खैर नहीं समझ गया हुआ है। खैर हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे जफर का बेहतर नेट हो, बिकॉज आई एम टेलिंग यू व्होएवर इज वाचिंग दिस, के जफर और नवाज इकट्ठे एक एपिसोड विद गुड इंटरनेट फ्रॉम जफर्स एंड विल बी वेरी गुड टू वॉच, तो इंशाल्लाह हम ये दोबारा करेंगे। नवाज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जफर थैंक नो थैंक यू टू यू, क्योंकि तुम्हारा बार बार इंटरनेट खराब होता रहा, तो यू नो प्लीज गेट योर सेल्फ फिक्स्ड बिफोर यू गेट एनीथिंग एल्स फिक्स्ड। तो थैंक यू सो मच यू नवाज, थैंक यू सो मच जफर, हाँ प्लीज, और चेंज जी योर चंगी जगह ब्रेन और लगा समथिंग। अब तो बड़ा पैसा आ गया उसके पास पर ये कहाँ छोड़ी जा रहे हैं यार यहाँ पे ये समझ से बाहर है यार, ये बिजनेस कर मैंने रहा है, कहा कोई गाड़ियों का बिजनेस स्टार्ट करने लगा है। जो तेरे नोट है ना वो नीचे पर वो सारे गल रहे हैं उनको थोड़ा यूज करा के पीछे हाँ यार वैसे ये मशहूर है जमाना, वो कंजूस भी है ये, तो अमाद भट्ट भी यही कहता है कि इसने पता नहीं पैसा बचा के क्या करना है, बिल्कुल मशहूर है जमाना।
बस जोड़ी जा रहे हैं। थैंक अच्छा यू वेरी एवरीवन, मच थैंक यू कैमरे। सो मच फॉर नवाज, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन। होपफुली विद बेटर इंटरनेट वी विल हैव अ शो नेक्स्ट वीक, आइदर ऑन फ्राइडे और संडे। विल कीप यू पोस्टेड ऑन इस्लामाबाद यूनाइटेड्स प्लेटफॉर्म्स। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू इस्लामाबाद यूनाइटेड्स यूट्यूब चैनल। और सिली पॉइंट आपके साथ वापस आएगा नेक्स्ट फ्राइडे या संडे को। उसके दरमियान फाइन लेग आप जरूर देखें और शॉर्ट लेग एक और शो है ज़ुखरुफ़ के साथ, वो भी आप जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। स्टे ट्यून्ड टू इस्लामाबाद यूनाइटेड्स प्लेटफॉर्म्स।